वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज एक जबरदस्त फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूं। ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला जिन लोगों को दिमागी कमजोरी लगती है, जिनको ऐसा लगता है कि सारा सारा दिन हम ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, दिमाग का दही हो जाता है, दिमाग तो ऐसे जैसे रगड़ देते हैं हम, इतना बुरा हाल हो जाता है और दिमाग में खलल रहता है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं अपने बच्चों के प्रति बड़ी कॉन्शियस होती हैं, छोटे बच्चों के प्रति, कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं बनती और दिमाग उतना तेज नहीं है जितना होना चाहिए। आज का फॉर्मूला वो भी आपको करके दिखाएगा। बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं कि याददाश्त में कमी आनी शुरू हो गई है, ठीक है, और नींद का शिकार हो रहे हैं, इंसोम्निया का शिकार हो रहे हैं कि रात को नींद प्रॉपर नहीं आती, और एक बार आ जाती है तो रात को अचानक 1 बजे खुल गई तो 2-2 घंटे नींद नहीं। बहुत सारे महिलाएं या पुरुष टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अचानक रात को जब नींद खुलती है तो उसके बाद नींद नहीं आती। ये जितनी तकलीफें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो दिमाग की कमजोरी है, आंखों की कमजोरी है, चाहे वो रात को नींद नहीं आती, चाहे दिमाग फ्रेश नहीं रहता, या याददाश्त की कमी है, या ऐसा लगता है कि शारीरिक तौर पर काम करने का दिल करता है कि मैं 15 घंटे काम करूं लेकिन 4 घंटे के बाद एग्जॉस्ट हो जाता आदमी, एकदम शरीर ऐसे लगता है कि बस अब लेट जाओ, ये सब में काम करेगा और जबरदस्त नुस्खा है, ठीक है। एक चीज फटाफट बताता हूं, सीधा नुस्खे पे आता हूं। अच्छी बात ये है इस नुस्खे की कि वो सारी चीजें आपके घर में मौजूद हैं अभी के अभी, राइट। तो एक चीज आपको बताता हूं, पुराने टाइम में पहेलियां जो बुझाया करते थे ना कि मैं तेरे को एक पहेली डालता हूं बुझा, राइट, तो वो पहेलियां सिर्फ इसीलिए किया करते थे। आप भी कभी ऐसा मौका मिले, YouTube पे तो बहुत कुछ अवेलेबल है पहेलियों के मामले में, कि पहेली आती है उसके बाद आपको आंसर देना होता है पॉज करके, तो आप उन पहेलियों को बुझाया करो। मैं कहता हूं दिमाग को तेज करना है, पहेलियों को बुझाना शुरू कर दो, पहली चीज। दूसरा, एक और आपको अच्छी टेक्निक बताता हूं कि जिन लोगों को दिमाग को तेज करना हो, हिंदी में एक कुछ भी कोई भी पैराग्राफ लिख दें, राइट, और उसके तुरंत बाद किसी और लैंग्वेज में, पंजाबी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, है ना, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में उसको साथ में लिखना शुरू कर दें। आप देखेंगे, सिर्फ 2 हफ्ते करके देखना, 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते में आप मेरे को खुद कहोगे कि सर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी, जो मेरी कंसंट्रेशन, मेरा फोकस, मेरे दिमाग में तेजी, याददाश्त, इन सारी चीजों में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये हमारे परम पूज्य पिताश्री की देन है और ये 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये उन्होंने मेरे को बहुत साल पहले बताई थी, पहेलियों का और ये वाली चीज, है ना, तो ये उनकी देन है। और आज फादर्स डे भी है तो उनको शत शत नमन। और आज आपको फॉर्मूला बताता हूं, राइट, जिससे ये तमाम तकलीफों में आपको जो है मदद मिलेगी, इन तमाम तकलीफों से निकलने में, राइट। तो क्या फॉर्मूला है, कितना कितना लेना है, कैसे उसको लेना है, और अच्छी बात एक और फटाफट, बस प्लीज प्लीज एक सेकंड, और बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं लंबा वीडियो डाल देते हो, पता है एक्सप्लेन, मेरा दिल करता होता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं आपको ताकि कोई कमी ना रहे। देखना बच्ची है ना, ये फॉर्मूला 5 साल से लेकर 100 साल तक का बुजुर्ग जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है, देखो क्या कमाल की चीज है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, राइट, आइए। तो इस फॉर्मूले की सबसे पहली चीज जो है वो है बादाम, ठीक है। ये कितना कितना लेना है अभी बताता हूँ, पहले मैं आपको जो 4 आइटम्स हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने इसमें लेनी है वो है खसखस, ठीक है। तीसरी चीज जो लेनी है वो है सौंफ, ठीक है, मोटी सौंफ लेनी है। चौथी और आखिरी चीज इसके अंदर आपने इस्तेमाल करनी है छोटी इलायची, हरी इलायची, सब्ज इलायची जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये 4 चीजें हैं। पहली चीज बादाम, बादाम छोटा लेना है, पिशौरी बादाम या कश्मीरी बादाम जिसको हम बोलते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ बादाम का फॉर्मूला, जब भी बताता हूँ तो मैं हमेशा बताता हूँ जिसका साइज छोटा और पेट मोटा होता है वो आपने बादाम लेना है। इसको आप 100 ग्राम बादाम ले लीजिए, ठीक है, पहली चीज जो आपने लेनी है। और दूसरी चीज आपने लेनी है खसखस, ठीक है, खसखास बोलते हैं, खसखस बोलते हैं, ये दूसरी चीज है, इसको भी आपने 100 ग्राम लेना है, राइट। तीसरी चीज आपने लेनी है सौंफ, मोटी सौंफ जो आमतौर तौर पे होटल्स में हम खाना खाने के बाद खाते हैं या अचार में डालते हैं, मोटी सौंफ, बस रंग ना हो इसमें, रंग वाली सौंफ ना हो, बिना रंग की हो, इसी तरीके की साफ सुथरी एकदम, ठीक है। ये आपने लेनी है 25 ग्राम, ठीक है। चौथी चीज आपने लेनी है छोटी इलायची, सब्ज इलायची जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये लेनी है आपने 10 ग्राम, दैट्स इट। और इसके अंदर अगर आप मिश्री डालना चाहें, मतलब जस्ट टू मेक अ टेस्ट, कि आपको टेस्ट बढ़ाना है इसका, तो आप 100 ग्राम मिश्री डाल सकते हैं, मैंने इसके अंदर नहीं रखी है, लेकिन अगर आप डाल, क्योंकि उसका और कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ एक स्वाद के लिए आएगी, ठीक है।
तो ये 100 ग्राम बादाम हो गए, 100 ग्राम खसखस, 25 ग्राम सौंफ और 10 ग्राम इलायची, इन चारों को अच्छी तरह से पीस लीजिए बारीक, और बारीक पीस के छान के उसको एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। जो 5 साल से 10 साल का बच्चा है उसको आपने आधा चम्मच देनी है, 10 साल से 15 साल के बच्चे को देना है 1 चम्मच, और 15 साल से लेके 100 साल तक का जो बुजुर्ग है वो लें 2 चम्मच। रात को सोते समय एज ए लास्ट आइटम लेना है गुनगुने दूध के साथ। बस ख्याल इस बात का रखना है कि इस फॉर्मूले को लेने के बाद पानी नहीं पीना कम से कम 1.5 घंटा, कम से कम, ठीक है। पानी वगैरह पहले पी लेना, बाद में पानी नहीं पीना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। बस इतना आप कीजिए और फिर देखिए कमाल, राइट। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है और सबके काम आने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा, फॉर्मूले को समझ लिया होगा, और मेरी दरख्वास्त हर बार की तरह वही है कि अगर आपको अच्छा लगे तो हर बुजुर्ग के साथ, हर इंसान के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि हर इंसान का, हर बुजुर्ग का, हर उस इंसान का जो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, उन सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।